तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, अपने अपने गोल्स को अचीव करने में लगे होंगे। और मैं प्रेयर करती हूँ कि आपके जो भी गोल हैं, आपकी जो भी ड्रीम है, वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी मिरर टेक्निक के बारे में कि मिरर टेक्निक क्या होती है, इसको क्यों किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे किया जाता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, पूरा एंड तक देखना। और अगर मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस आ सके जो जिनसे आपको कोई हेल्प मिल सके। और अगर किसी को इनकी ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अब मिरर जो है वो तो हम सबके पास में होता है, हम सब लोग यूज़ करते हैं, और मिरर का यूज़ तो बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। लेकिन मिरर टेक्निक जो है वो भी बहुत पुरानी है, इसको भी बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम मिरर को एक बहुत ही पावरफुल टूल के जैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने हिप्नोटाइजिंग के बारे में तो सुना होगा, तो हिप्नोटाइजिंग में हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को अपनी एनर्जी में, अपनी वाइब्रेशन में लेकर आते हैं, उसको वो वाइब्रेशन सेंड करते हैं जिससे वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, हम जो कहें वो काम करें। तो बस मिरर टेक्निक में भी आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करना है और खुद को उस एनर्जी में लाना है जो कि चीज़ आप उससे करवाना चाहते हो, जो भी आपकी विश है वो आपको इस तरह से उस एनर्जी में अपने आप को लेके आना है ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो रेज हो जाए और आप ये समझने लग जाए कि हाँ ये काम बहुत ईजी है मेरे लिए, ये तो मैं कर ही लूँगा। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये समझ जाए कि हाँ भाई ये चीज़ तो होनी ही है, ये तो करनी ही है, ये चीज़ तो हो जाए। तो बेसिकली इसमें हम सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेज करते हैं और बहुत सारा सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव तो आपको पता है, उससे तो हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये स्टेप जो है वो सिर्फ इस टेक्निक के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कोई काम भी अगर आप करने जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं या नॉर्मल ऐसे ही जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। कभी भी आपका मन बहुत उदास है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में है, मन नहीं है, आलस आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो उस एनर्जी के साथ में कभी कोई टेक्निक मत करना, ये ऐसे काम नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, उनको हाई करना है, उनको पॉजिटिव करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको अच्छा लगता है, हमको खुशी मिलती है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई किसी तरह का म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगता है, तो 5 या 10 मिनट तक वो म्यूज़िक सुन लीजिए। या कई लोगों का ऐसा होता है, बहुत ही खाना बहुत पसंद होता है, तो अपना कोई फेवरेट फूड जो है वो खा लीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। या फिर मेडिटेशन तो है ही, वो हर बार आपकी हेल्प करता है, तो आप 3 या 4 मिनट तक ब्रीद इन और ब्रीद आउट वाला मेडिटेशन कर सकते हैं छोटा सा, जिससे क्या होगा, आपके माइंड में किसी तरह का थॉट आ रहा है तो वो एक बार के लिए शांत हो जाएगा और उसके बाद में आपकी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, और उसके बाद आप कोई भी टेक्निक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपको अपने लिए एकांत ढूंढना है, मतलब एक शांत सी जगह पे जाके आपको बैठना है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, नॉट इवन योर फोन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई भी टेक्निक करते हैं तो बार बार ऐसा होता है कि यार उसको रिप्लाई करना है, कोई फ़ोन ना आ जाए, या गलती से भी कोई फ़ोन आ जाता है तो अच्छी खासा प्रोसेस जो है वो हमारा चल रहा होता है और बीच में ही जो है वो सारा काम बिगड़ जाता है। तो उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपने फ़ोन को साइलेंट करके एकदम साइड में रख दो, अपने सारे काम निपटा लो ताकि ऐसा ना हो कि वो काम करना है कोई बुलाने आ जाएगा, कोई भी आपको देख नहीं रहा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हेजिटेट हो जाते हैं जब उनको कोई काम करते हुए कोई देखता है, तो इस तरह से एकांत सी जगह पे बैठना है 10-15 मिनट के लिए, बिल्कुल फ्री होके बैठना है। कोई तरह का काम आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बस आपको ये सोचना है कि बड़े ही कमाल की कोई टेक्निक मैं कर रहा हूँ और ये जो है वो आज कोई मैजिक करने वाली है। ठीक है, किसी भी तरह की टेक्निक को करने से पहले आपके अंदर उसके लिए फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करके देख लेता हूँ, नहीं होगी तो कह दूंगा नहीं हो रही है, या फिर उस तरह के माइंडसेट से नहीं करना है। वीडियो जब देख भी रहे हैं ना, तब भी आप इतने मोटिवेट हो जाइए, वाओ मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, आज तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कीजिए और फिर देखिए काम क्यों नहीं होता है, अरे बहुत बहुत जल्दी होएगा आपका काम। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेप हैं। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, मिरर टेक्निक है तो ऑब्वियसली आपको मिरर लेके आना है, मिरर के सामने बैठना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको उस मिरर में देखना है। अब मिरर कैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है, आपका फेस उसमें अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, तो अपने सामने मिरर को रखो और उसके बाद में क्या करना है, देखो
10 सेकंड तक तो अपना फेस देखो और अपने फेस को देखते देखते अपना फोकस जो है वो अपनी आईज पे लेके आओ, ठीक है। अपनी आईज पे लेके आ गए और उसके बाद में आपका जो ये ब्लैक कलर का आईबॉल है वहाँ पे देखो 10 से 15 मिनट तक बिना किसी थॉट के अपने आईबॉल में देखो और उसके बाद में सेल्फ टॉक स्टार्ट करो। कैसे करोगे? खुद की तारीफ करनी है, बहुत सारी तारीफ करनी है। अगर आप चाहें तो ho'oponopono प्रेयर भी इस वक्त कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तुम बहुत ही कमाल के हो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, तुम जिंदगी में जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, तुम्हारा किसी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बहुत इजी चल रहा है, तुम्हारा किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं है, या जो भी अच्छी अच्छी बातें आप अपने आप से कर सकते हो ना, एटलीस्ट 60 सेकेंड तक, 1 मिनट तक ये सारी बातें आप अपने आप को बोलोगे, फुल वाइब्रेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलोगे, ठीक है। अब बात आती है आपकी विश की। तो मान लो आपकी विश है कि आप YouTube पे अपने जो व्यूज़ हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे वाओ कि कितना कमाल का काम मैंने YouTube पे किया है, मैं कितना हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ और उससे मेरे व्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे रोज़ के 100-200 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, लोग कमेंट्स में मेरे जो काम है उसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरे 100K से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, या वट एवर योर टारगेट इज़। तो इस तरह से आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे कि ये काम जो है वो प्रोसेस में है, ये काम जो है वो हो रहा है, और साथ में आप ग्रेटिट्यूड भी ऐड कर सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स इतनी खूबसूरत लाइफ के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे ये टेक्निक बताने के लिए, मुझे इतनी सुंदर लाइफ देने के लिए, या आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है वो आप काउंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 5 या 7 मिनट लगेंगे, आपको खुद से बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी है और इन बातों में इतना खो जाना है कि आपको लगे कि आप किसी अदर पर्सन से ही बातें कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं। आप जब किसी की तारीफ करते हैं कोई कितना खुश हो जाता है, तो उस तरह आपको अपने अंतर मन को इतना खुश कर देना है कि कोई नेगेटिविटी बचे ही नहीं, आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए। रोज कीजिए, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा कि यार ये क्या मैजिक हो गया है, कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ उस तरह की जिंदगी ऑलरेडी होने लगी है, ठीक है। तो शुरू में 7 दिन 21 दिन जब भी आप करें और धीरे धीरे ये होगा कि आपका मन करने लगेगा करने का, आप खुद को रोज रूटीन में ये चीजें ले आओगे, तो ये होती है मिरर टेक्निक। फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी जो भी विश है वो लास्ट में जरूर बोलना, प्रेजेंट टेंस में बोलना, और उस विश के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना, और विश जब पूरी हो जाए तो मुझे आके थैंक यू बोलना, मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और कुछ व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली देख रहे हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत सारा थैंक यू, और वीडियो नहीं आती तब भी वो पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आई है। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो भी मेरे साथ बने रहना, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आगे लेकर आऊँगी, और बस खुश रहो, सेल्फ लव करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।